हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में कुछ सच्ची बातों का जिक्र किया है। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। पहले कुछ चुटकुल्ले हो जाए। दोस्तों, पूछना ये था कि एक लड़की पर बहुत दिनों से डोरे डाल रहा था, भाव नहीं दे रही है, तो क्या रस्सी डाल सकता हूँ? साधुओं की संख्या हर साल बढ़ती जा रही है, कृपया अपने पति को प्यार दें, तकलीफ नहीं। नगर निगम, हरिद्वार। एक दुखी पति, स्कूल में मुर्गा बना, नौकरी में बकरा बना और शादी के बाद गधा बना, सारी जिंदगी नॉन वेज होटल का मेनू बनकर रह गई। आइए दोस्तों, अब आपको सच्ची बातों से अवगत कराते हैं। अकेले रहने का भी अपना ही कुछ सुकून है, न किसी के आने की खुशी और न किसी के जाने का गम। देखिए, जो आपका गुस्सा सहन करके भी आपका ही साथ दे, उससे ज्यादा प्यार आपको कोई नहीं कर सकता। किसी को अपना बनाओ तो दिल से बनाओ, जुबा से नहीं, क्योंकि सुई में वही धागा प्रवेश करता है जिसमें कोई गांठ नहीं। जिंदगी की यही रीत है, पीठ पीछे सब कमीने और सामने सभी स्वीट है। रोटी पर घी और नाम के साथ जी लगा लेने से स्वाद और इज्जत बढ़ जाती है। इंसान 2 वर्ष बाद बोलना सीख जाता है, लेकिन क्या बोलना है या सीखना उसे पूरा जन्म लग जाता है। भगवान का संतुलन भी देखो कितना अजीब है। 100 किलो अनाज का बोरा जो उठा सकता है वह खरीद नहीं सकता, और जो खरीद सकता है वह उठा नहीं सकता है ना दोस्तों? जरा सोच के देखिए। 2 पल के गुस्से से प्यार भरा रिश्ता बिखर जाता है, होश जब आता है तो वक्त निकल जाता है। जरा सी जेब क्या फटी, सिक्कों से ज्यादा रिश्ते गिर पड़े। शक मन के जिस दरवाजे से अंदर प्रवेश करता है, प्यार और विश्वास उसी दरवाजे से बाहर निकल जाता है। इसलिए दोस्तों, शक सोच समझ कर करना चाहिए। किसी को ये महसूस मत होने देना कि आप अंदर से टूट चुके हैं, क्योंकि लोग टूटे हुए मकान की ईंटें तक भी चुरा ले जाते हैं। दोस्तों, जो बाहर की सुनता है वह बिखर जाता है, जो भीतर की सुनता है वो संवर जाता है। 3 रिश्ते वक्त में ही पहचान सकते हैं, पत्नी गरीबी में, दोस्त मुसीबत में और औलाद बुढ़ापे में। पहले लोग बेटा के लिए तरसते थे और आजकल डेटा के लिए तरसते हैं। आज की सबसे बड़ी दुविधा, मोबाइल बिगड़ जाए तो बच्चे जिम्मेदार और बच्चे बिगड़ जाए तो मोबाइल जिम्मेदार। बदल गया है जमाना, पहले लोग माँ बाप का पैर छू कर निकलते थे, अब मोबाइल की बैटरी फुल करके निकलते हैं। रिश्ते इसलिए भी नहीं सुलझ पाते क्योंकि लोग गैरों की बातों में आकर अपनों से उलझ जाते हैं। जरूरी नहीं है कि हमेशा बुरे कर्मों की वजह से ही दुख मिले, कई बार हमें ज्यादा अच्छे होने की भी कीमत चुकानी पड़ती है। हवा को गुमान था अपनी आजादी पर, किसी ने उसे भी गुब्बारे में भरकर बेच दिया। अंधेरे में अपनी छाया भी साथ नहीं देती, बुढ़ापे में अपनी काया भी साथ नहीं देती। सारा जीवन दांव पर लगा दिया जिसके लिए, अंत समय में वो माया भी साथ नहीं देती।